हैं कि पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर चाहिए कोई? क्यों भाई बबलू, इसे पिज़्ज़ा खिलाया था रात को जब इतनी गंदी गंदी पोटियाँ खा रहा है? अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। लें जी, हमारी तो ईद शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करता हूँ अपने नए तगड़े फंटेस्टिक व्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, सब मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज है ईद उल अज़हा का दिन। तो आज की सुबह बहुत ही पुरसकून थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सुबह थी। तो रात को बबलू पहुंच गया था घर पे। ये किसका बकरा है? इसका क्या नाम रख रहे हैं? हेलो तो करो। इसका नेम क्या है? नाम जल्दी से बताओ ना, जल्दी से नाम तो बताओ ना। सभी जाओ सबसे पहले इसको पानी से। हाँ फिफा नाम बताओ। बबलू ना रख दे इसका नाम, बबलू। बबलू ना रख दे, नहीं वो तो चॉकलेट के नाम होता है। बबलू ना रख दे, बबली तो चॉकलेट के नाम, तो बबली नाम रख देते ना। ये बबलू है, बबलू। हाँ बबलू, बबलू ठीक है। चलो ठीक है, फाइनल हो गया। पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही। हाँ जी पकड़ो, बबलू को पकड़ो। बबलू इसका नाम हमने रख दिया। तो बबलू को मैं आपको दिखाता हूँ, बबलू इधर ही फिर रहे। हेलो बबलू, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? ये है जी बबलू। अब मेरे पास सेल्फी खींच लो, सेल्फी। तो ये है माशाल्लाह बबलू। और ये कल बड़ी मुश्किलों से मिला है, और मंडी की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतने बुरे हालात थे हर साइड पर कि बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं था कि वो उधर वीडियो बना जा सके। तो बबलू, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई कब बबलू आएगा, कब बबलू आएगा, क्योंकि नाम हमने पहले डिसाइड किया हुआ था लेकिन बस अभी ये आ नहीं रहा था। जैसे ही आया तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बबलू ने आते ही घर में पहले फिश किया इस साइड पर करके ये, तो बाकी इसने पूरा घर घूम फिर के से हमने खुला छोड़ा था कि भाई तू मज़े कर, मज़े कर, यशी कर। तो ये भी अपनी फुल मस्तियाँ यशी में यशी मार रहा है, एंजॉय कर रहा है। कभी वो ये अमरूद के पत्ते खा रहा है, कभी ये जामुन के पत्ते खा रहा है। तो इन चक्रों में ये लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं सभी अहमद भी को उठा है कि नहीं उठा, नमाज के लिए हमने जाना था। ओ माशाल्लाह, गुड मॉर्निंग सभी अहमद, आप तो माश खैर मुबारक, आप तो रेडी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए होए, ये बबलू आपका क्या कर रहा है सुबह सुबह? हैं बबलू क्या कर रहा है? बबलू को हेलो किया आपने? माशाल्लाह, वाजिवा 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 वाजिवा। तो ये बेसिकली मुझे मिला था तकरीबन 38,000 रुपीज़ का। तो लास्ट ईयर जो था वो भी तकरीबन इतने का ही था। मंडी दफ़ा थी तो काफ़ी तेज़, लेकिन बस आपके भाई ने कोई जुगाड़ लगा ली और ढूंढ लिया। तो मतलब कि आजकल बकरे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर साइड पर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बंदा क्या कर सकता है। तो अभी नमाज का तकरीबन टाइम होने वाला है, ऑलमोस्ट तकरीबन 6:30 बजे जमात है। तो 6:30 बजे इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कुर्बानी करेंगे और फिर देखते हैं कैसा दिन गुजरता है। मेरी तो जूती भी रहती है तो मैं जल्दी से जूती पहन लेता हूँ और जूती पहन के फिर चलते हैं नमाज के लिए ताकि नमाज अदा की जाए। तो ये मेरी आगे जूती, इसको
पहन लेते हैं जल्दी से, इधर ही बैठ जाते हैं। आपका भाई कहीं भी बैठ जाता है, मसला कोई नहीं है। चलो जी, ये जूती पहन लेते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा किसी किस्म की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें, ताकि आपका भाई आपको गाइड कर सके अच्छे अच्छे तरीक़ों से। तो बाकी आपने मुझे बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा है, ब्लैक सभी और मैंने दोनों ने मैचिंग मैचिंग की है। तो सभी अहमद मैचिंग मैचिंग है? yes. ये जी जूती आ गई, ब्लैक वेस्टकोट साथ ब्लैक जूती, और उसके साथ वाइट का टच भी है। ये होगी जूती, और ओए होए ये पैर भी उतारना था, जिसने पैर भी उतार दिया। ये जी अब आपके भाई की होगी लुक फाइनल। तो अभी हम चलते हैं नमाज के लिए, तो इसके कुछ शॉर्ट्स मैं डालता हूँ, स्लोमो शॉर्ट्स, वो भी आप देख लीजिएगा। चलो जी नमाज के लिए चलते हैं। बाल की कैमरे की तरफ देखना, चलो। हाँ जी, आईफोन चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ पे देख बबलू। ये जी सभी अहमद इसको गाइड कर रहा है, बबलू सभी अहमद इसको गाइड कर रहा है कि भाई कैमरे की तरफ देखना है, तो फोटो सेशन अपना करवा लो। सभी अहमद और मैं दोनों नमाज पढ़ के जा रहे हैं। अब क्या करना है आगे? बकरा कुर्बानी, बकरा कुर्बान करना है, ज़िबा करना है थोड़ी देर बाद। तो नमाज पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा, सुकून मिला कि नहीं मिला? मिला। चले जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जी आपके भाई ने सारी जैकटें मैकटें उतार दी हैं, गर्मी ने तबाही फेर दी है। तो गोश्त माशाल्लाह आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ला 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 ला। तो बस अभी पैकिंग शेकिंग करके जितना भी जिनको देना है वो देंगे। और आपके भाई ने इधर देखें जी, एसी वाला मॉल तो फुल टोन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इतनी गर्मी लग रही है कि हालात कंट्रोल से बाहर हुए हैं। गोश्त को तकसीम करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकसीम वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और इंसाफ भी करना पड़ता है। तो ये काम आपका भाई करता है, और माशाल्लाह। अच्छा जी, सारा गोश्त जो था वो हमने बांट दिया है, और आज का दिन बहुत ही बिजी रहा। तो अभी बच्चे मेरे पीछे लगे हुए हैं कि भाई हमें ईद दें, लेकिन ईदी वाला सीन तो आपको पता है, इस ईद पे तो कोई सीन ही नहीं बनता ईद का। तो मैं देखता हूँ वो क्या कहते हैं। सभी अहमद अफीफा किधर है बेटा? हाँ जी, कैसी रही ईद? ये तो अच्छा, सभी का ये ड्रेस था ईद का, और ये क्या कर रहे हो? और अफीफा ने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि इसको लग रही थी गर्मी। तो इसका ड्रेस का हम एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे हम लोग लगाएंगे, तो वो वहाँ से देख लें।
और मुझे अब ये बताओ कि बकरा कैसा था? बकरा फिर चला गया, बबलू मारा चला गया एक ही दिन के लिए, एक रात के लिए थे बबलू आया था, एक रात के लिए, कितने रातों के लिए आया था? एक रात आधी। तो आपने उसके साथ मस्ती शस्ती की? नहीं क्या की ना, नहीं की ना मस्ती, आज इस दफा करने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ पहले दिन मस्त हो या बाकी दिन नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। तो फिर और इसके अलावा आपने फिर फ्रेंड्स को कॉल वगैरह की, ईद मुबारक की कि नहीं की? क्या कहा फ्रेंड्स को हैं? क्या कहा फिर आपने? कैसी मुबारक कहते हैं? चप्पू चप्पू ईद मुबारक। अच्छा ये ना, ये इस तरह कह रहा था फीफा के ना, ये कह रहा था कि बकरे को कह रहा था कि आपने बबलू कैमरा क्या क्या देखो, बबलू ये कैमरा, बबलू ये कैमरा। आपके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका, जो शॉर्ट है मेरे पूरे व्लॉग में आप देखना ना उसमें आएगा वो, कहता बबलू बबलू ये कैमरा, बबलू ये कैमरा। अब उस बबलू को कैसे पता कि ये वाला कैमरा है? उसे तो नहीं पता चलेगा ना। लेकिन ऐसे मजे की बात है कि बबलू ने ना फिर देखा, हाँ बबलू ने ऐसे देखा, आगे करके देखा, हाँ सीरियसली। और बबलू ने फिर चांद की तरफ भी देखा, अभी चांद नजर आ रहा है वो रहा ठीक। तो फिर ईदी सीधी तो मैंने कोई नहीं देनी इस दफा, आपने देनी थी। हाँ कोई नहीं, इस ईद तो कोई ईदी देती है भाई? ना भी ना भी ना, नहीं नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। हाँ भी गाइस एक बार बताती हूँ, बाबा की 16 जून को बर्थडे थी, हमने सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की, अगले दिन ही बाबा का मूड खराब। तो मेरा मूड खराब, हमने कहा था कल इतना अच्छा मूड होएगा बाबा का, मेरा मूड किस वजह से खराब था? इस मैडम की वजह से, पता नहीं आपकी वजह से, आपकी वजह से, किस वजह से? तो ये दफा फिर क्या हुआ? ईदी नो ईदी गोश्त खाओ सारे, दी थी आपने। अच्छा मुझे बताओ गोश्त में क्या क्या चीज खाई है? गोश्त में क्या क्या खाया? मैंने तो कुछ नहीं, क्रेजी खाई है, कलेजी वो जो ब्लैक ब्लैक वाली होती है, ब्राउन ब्राउन वाली। आपने कोई बोटी खाई है? बिल्कुल, एक कचरा भी दिखाया। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है कि बबलू कोई छोटा सा बबलू पाल ना ले, छोटा सा बबलू है लेकिन उसके ऊपर ईद है, इस बार कोई सी रैबिट, रैबिट की कुर्बानी करनी है। लो जी रैबिट की कुर्बानी करनी, कुर्बानी नहीं करनी वैसे पालना है। अच्छा मैंने कहा रैबिट की कुर्बानी करनी है, हैं कुर्बानी तो इतनी सी एक प्लेट होगी प्लेट है तो उसमें ये वो इतनी सी प्लेट होगी ना, तो उसी से प्लेट हम सौ सबको ना एक एक बोटी दे देंगे, भाई ये लोग एक एक से तो पूरी एक दो बंदे को ही देंगे खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा तो फिर अभी बबलू फिर हम कब ले रहे हैं नया वाला बबलू? नहीं रैबिट, रैबिट 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 यस। अब नेक्स्ट जी हमने कुर्बानी करनी है रैबिट की, अब आपने नेक्स्ट हमारी ईद तक कुर्बानी नहीं करनी है रैबिट की। रैबिट वैसे पेट, पेट पेट के तौर पर रखना। अच्छा बाकी पहले वाले पेट मर गए, एक जो बिल्ली थी वो भी मर गई, शहीद हो गई, और अभी एक और बिल्ली भी तो फेर रही थी पत्नी इधर कहीं थी, तो वो भी वो उसके ना दो बेबीज हैं, इसने भी देखा इसने भी देखा, वो दोनों मर गए बेचारे, एक बच्चा बस, एक बच्चा वो जंगली बिल्ला आया था ना, जंगली बिल्ला हाँ। तो उसने मार दिया उन दोनों को, दो आए दो, पहली पहली रात के सुबह को ना मम्मा उठी फजर की नमाज पढ़ने, ठीक है तो नमाज पढ़ के मम्मा लान में आई ना वह सेवा करने के लिए, तो मम्मा ने देखा मरा पड़ा, फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, अब तीसरा बच गया पता नहीं कैसे। अच्छा फिर ना अभी सफर करते हैं कि व्लॉग आज ईद का एंड करते हैं, तो आप गाइस को कहें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज प्लीज, और ना और थोड़ा सा ना वो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, चलिए लास्ट बोलो गाइस हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादातर सब्सक्राइब करें। ओके चलें जी आज का व्लॉग था यहीं तक, अल्लाह हाफिज। चलो।